स्थानीय जयस्तम चौराहे पर वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस चालानी कार्रवाई में दो पहिया वाहन एवं तीन पहिया साथ ही चार पहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया गया कि चालानी कार्रवाई उन बातों पर की जा रही है जिनके पास ना तो वाहन के कागजात हैं और ना ही वाहनों का बीमा। समझ से परे है कि गुना में एक तरफ यातायात की बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि जितने भी संस्थान खोले गए हैं उनमें कोई भी वाहन पार्किंग की जगह नहीं है, जिसके चलते रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इन सब का खामियाजा उठाना पड़ता है उन लोगों को जो इन संस्थानों में किसी ना किसी काम से आते हैं। वहीं देखा गया है कि जो तलघर है उसकी अनुमति केवल पार्किंग के लिए दी जाती है, लेकिन शहर में जितने भी तलघर खुले हैं उन सभी का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है, जिसको देखने वाला कोई भी नहीं। ना जाने क्यों प्रशासन अपनी मौन स्वीकृति देकर इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहा है। आज ये मोटरसाइकिलों लेके विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाहनों के कागजातों की चेकिंग की जा रही है, और जिन वाहनों के कागजात नहीं है उसका बीमा, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस, उनके चालान काटे जा रहे हैं। अभी तक कितने चालानी कार्रवाई हो चुकी है? अभी तक 16 वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं, करीब 5,000 के करीब राजस्व वसूला जा रहा है। अभी कार्रवाई जारी है।